आप में से कई लोगों की शिकायत है कि मैं कुछ ही पार्टी के नेताओं के बारे में बात करते हैं, कुछ ही पार्टी के नेताओं की बायोग्राफी कवर करते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप लोग जिस भी व्यक्ति का नाम बताते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते रहते हैं। और देखिए, अभी तक हम लोगों ने राजनेताओं के बारे में जो काफी चर्चा में रहते हैं उनके बारे में विस्तार से बात कर चुके हैं। और बायोग्राफी के नाम से एक प्लेलिस्ट सूची बना दी गई है, उसमें सभी की बायोग्राफी, सभी की एक तरह से आप कह सकते हैं कि कहानी, कर्म कुंडली उसमें डली हुई है कि आखिर वो कहाँ से शुरू हुई थी उसकी यात्रा और कहाँ तक पहुंचा है और किस तरह से उसने यात्रा शुरू की हुई थी। आज हम लोग बात करेंगे राघव चड्ढा के बारे में। और एक बात तो आप लोगों को भी माननी पड़ेगी कि आम आदमी पार्टी का जो स्कूली मुद्दा हो या स्वास्थ्य व्यवस्था का मुद्दा हो, ये दिल्ली में काफी पावरफुल रहा है। और आपने देखा है कि उसी का रिजल्ट रहा है कि दूसरी बार उसे सत्ता में एक तरह से अच्छा बहुमत मिला है। और आप देखिए, इनके जो भी नेता हैं उनमें बोलने की एक तरह से कला है। लोकसभा में आप लोग भगवंत मान को सुना होगा, राज्यसभा में आप लोग संजय सिंह को सुनते रहते होंगे आए दिन, और राघव चड्ढा को भी आप लोग सुनते रहते होंगे। अच्छे काफी प्रवक्ता भी माने जाते हैं आम आदमी पार्टी के। और अभी आपको मालूम होगा कि ये विधायक भी हैं दिल्ली से, और नए विधायक हैं, युवा विधायक हैं। तो इनके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं। पहले आप लोग दिल्ली चलिए, दिल्ली के बारे में कुछ बता देते हैं आपको। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है और इसमें आप देखेंगे तो आपको दिल्ली देखने को मिलेगी। इसकी राजधानी नई दिल्ली है और यहाँ विधानसभा सीटें 70 हैं, और राज्यसभा में 3 सीटें हैं और लोकसभा में 7 सीटें हैं। यहाँ ये भी बता देता हूँ जानकारी के लिए एक तरह से, कि जो विधायक होते हैं, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, इनका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा चुना जाता है। और आपने देखा होगा कि आपकी उम्र अगर 18 साल हो चुकी होगी तो आप लोगों का वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने जाते होंगे। और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो विधायकों के द्वारा चुने जाते हैं, उन्हें हम आप नहीं चुनते हैं, विधायक चुनते हैं आपके, ठीक है। और जो लोकसभा के सदस्य होते हैं इन्हें डायरेक्ट जनता चुनती है, इन्हें भी आप कहिए कि एक तरह से आप लोग ही चुनते हैं अगर आपकी 18 साल की उम्र हो चुकी है। और अगर आपको विधायक बनना है, विधायक का चुनाव लड़ना है एमएलए का, तो आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए। वही अगर राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए। अगर आप लोग 30 साल के हो चुके हैं तो आप लोग लड़ सकते हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में राजनीति पैसे की राजनीति रह गई है। अगर आप सोचें कि आम आदमी चुनाव लड़ ले, जीत जाए, तो मुझे लगता है कि ये मुमकिन भी नहीं लगता है इस समय में। राघव चड्ढा इनका पूरा नाम है और 11 नवंबर 1988 को इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? दिल्ली में, भारत में, ठीक है। और इनकी अगर शिक्षा की बात करें तो देखिए, आम आदमी पार्टी में काफी पढ़े लिखे अभी युवा ज्वाइन कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, मनीष सिसोदिया को देख लीजिए, ये काफी पढ़े लिखे अच्छी अच्छी पोस्ट से रिजाइन करके आए हुए हैं राजनीति में। और मुझे लगता है इसका थोड़ा बहुत जनता पर असर पड़ता है। जनता सोचने पर एक तरह से आपको ये सोचने लगती है कि आखिर इसने ये पद क्यों त्यागा था, समझ रहे हैं। शिक्षा की बात करें तो मॉडर्न स्कूल नई दिल्ली से शुरुआती शिक्षा लेते हैं, फिर श्री वेंकट कॉलेज से बीकॉम करते हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया से शिक्षा लेते हैं और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई भी करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि पढ़े लिखे भी है। और एट के प्रोफेशन की यानी कि व्यवसाय की बात करें, काम की बात करें, तो आपको बता दूं कि चार्टर्ड अकाउंट भी रहे हैं, पॉलिटिशियन है यानी कि राजनेता भी हैं। और राजनीतिक दल आप सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी है। और चुनावी क्षेत्र राजेंद्र नगर दिल्ली से पहली बार ये विधायक बनकर आए हुए हैं। और इनके सफर की अगर हम लोग शुरुआत की बात करें तो इन्होंने शुरुआती सफर डेलॉयट और ग्रैंड थॉर्नटन सहित अकाउंटेंसी फार्मों के साथ काम किया हुआ है। जब आप लोग पढ़ाई कर लेते हैं और आप देखते हैं कि आप लोग कहीं नौकरी के लिए काम देखने लगते हैं तो इन्होंने इन कंपनियों में काम किया है, इनसे जुड़े रहे हैं। इसके बाद वह इंग्लैंड में एक बुटीक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी की स्थापना कर रहे थे। तभी भारत में इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन में ने काफी जोर पकड़ा था। ये अन्ना आंदोलन की बात हो रही है, लोकपाल की बात हो रही है। आप सभी जानते हैं कि कहा जा रहा था कि लोकपाल बनेगा और ऐसा जादू चलेगा कि हमारे देश से ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। तभी मेरा यही मानना था, आज भी मेरा यही मानना है कि हमारे देश का हर व्यक्ति नागरिक जब तक जागरूक नहीं होगा तब तक किसी भी क्षेत्र में सफलता पाना बड़ी मुश्किल है।
आपने देखा है कि लोकपाल का गठन हो चुका है, लोकपाल की नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार बराबर दिखाई दे रहा है। हम आप सबकी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारियों का अगर हम लोग कर्तव्य एक तरह से आपके ईमानदारी से पालन करते हैं तो हम लोग काफी हद तक भ्रष्टाचार पर रोक लगा सकते हैं। और जन्म कौन देता है भ्रष्टाचार को? हम ही आप मिलकर, ठीक है। और जिसके बाद 2012 में वो भारत वापस आ जाते हैं और अन्ना आंदोलन से जुड़ जाते हैं। इसके बाद 2015 में जब आम आदमी पार्टी ने 2015 की दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल की तो वो केवल 26 साल की उम्र में चड्डा को आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो शुरुआत में ही इन पर पार्टी ने भरोसा जिताया। 2016 में इनको दिल्ली सरकार ने उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के सलाहकार भी बना दिया गया था। और 2018 में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए चड्डा को आम आदमी पार्टी ने दक्षिण दिल्ली का कार्यभार सौंपा था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 2019 में आम लोकसभा चुनाव थे, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने 2019 में इनको यानी कि राघव चड्डा को दक्षिण दिल्ली के संसदीय क्षेत्र से लोकसभा उम्मीदवार घोषित किया। लेकिन वो इस चुनाव में नरेंद्र मोदी की लहर की वजह से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रमेश बिघोड़ी से करीब 2 लाख वोटों से हार जाते हैं। और आप सभी जानते हैं कि 2014 हो 2019 हो, इस समय मोदी लहर काफी तेजी से बढ़ रही थी। एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक समय जो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की लहर हुआ करती थी, उसी तरह आप कह सकते हैं कि मोदी की लहर चल रही थी। और आप देखिए, अगर राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के समय अगर उन्होंने किसी भी व्यक्ति को खड़ा कर दिया तो वो जो भी चुनाव जीत जाता था, तो 2019 में भी ऐसा ही हुआ। आप देखिए, बड़े बड़े धुरंधर कांग्रेस के हों या बाकी पार्टी के नेता हों, हार चुनाव हार गए मोदी लहर के सामने, तो ये भी चुनाव हार जाते हैं। जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने दोबारा 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजेंद्र नगर चुनाव से भाजपा के ही उम्मीदवार आरपी सिंह के खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा और भारी मतों से ये चुनाव जीतने में कामयाब भी हो जाते हैं और ये पहली बार विधानसभा में पहुंचते हैं। और इस चुनाव के बाद इनको दिल्ली जल बोर्ड का वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्ति कर दी गई है। और अभी आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं इसमें, मुझे नहीं लगता है कि दोहरा होनी चाहिए। राघव चड्ढा को एक पुरस्कार भी मिल चुका है, पता है आपको? राघव चड्ढा ने राजनीति के साथ साथ फैशन में भी अपनी धाक जमाई है। उन्हें स्टाइलिश पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है और इंडिया फैशन अवार्ड्स के दूसरे सीजन में आप विधायक को यानी कि राघव चड्ढा को इस खिताब से नवाजा गया था। और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता है मेनका गांधी, और आप सभी जो लोग जानते भी हो, उन्हें गांधी परिवार से निकल के आई हुई है, बस ये बीजेपी से चुनाव लड़ती है। एक कार्यक्रम में राघव चड्ढा को यह पुरस्कार दिया था। तो ये कहानी है राघव चड्ढा की अभी तक की, आगे क्या होता है, आगे किस तरह से चर्चा में रहते हैं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन याद रखिए, कभी कभी आप लोग नेता बनते हैं और अक्सर अधिकतर नेताओं में उनके साथ विवाद जुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो राघव चड्ढा के साथ एक विवाद जुड़ा हुआ है। अप्रैल 2018 में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री थे उस समय के राजनाथ सिंह ने मनीष सिसोदिया के सलाहकार के रूप में उनकी नियुक्ति को समाप्त कर दिया था। और मंत्रालय को लिखे एक पत्र में उन्होंने अपने कार्यकाल के लिए अपनी नियुक्ति की तारीख को संबोधित किया जो उनकी सेवा की थी, और उनकी राशि लौटा दी गई थी। और याद रखिए, एक तरह से मामूली राशि पर इन्हें एक तरह से सलाहकार मनीष सिसोदिया का रखा गया था। तो इसके कारण भी आपने देखा होगा काफी चर्चा में आए हुए थे। तो खैर यही है किसकी, राघव चड्ढा की कहानी। और भी आप लोग बताते रहा करिएगा, किसी भी व्यक्ति के बारे में बात करनी है तो उसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे, उसकी कर्म कुंडली, उसके जो भी सफर रहा है उस पर विस्तार से हम लोग कहीं ना कहीं से खोज के जरूर जानकारी लाएंगे आपके सामने। तो आप लोग जैसे ही किसी भी पार्टी के नेताओं के नाम बताते हैं उस पर हम लोग रिसर्च और बाकायदा सभी जानकारी लाकर आपके सामने रखते हैं। अब आप नाम ही नहीं बताएंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, ठीक है। चलिए आप लोग एंजॉय करिए, हम लोग तो मिलते ही रहेंगे, कहाँ जाने वाले।